गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, SV एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश, पोइम 2, माय गुड राइट हैंड, पोइट है इसके चार्ल्स मेके। माय गुड राइट हैंड्स का मीन है मेरा अच्छा दाहिना हाथ, यानी कि अपने इसका अर्थ ये ले रहे हैं। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो पोइट का यहाँ माय गुड राइट हैंड का मीन है मेरा कठिन परिश्रम, माय हार्ड वर्क, मेरी मेहनत। तो सबसे पहले अपने पोइट के बारे में जानते हैं, चार्ल्स मेके के बारे में क्या लिखा है। चार्ल्स मेके अबाउट द पोइट में लिखा है, चार्ल्स मेके 27 मार्च 1814 to 24 दिसंबर 1889, यानी कि चार्ल्स मेके का जन्म है वो 27 मार्च 1814 को हुआ और मृत्यु है वो 24 दिसंबर 1889 को हुई। वाज स्कॉटिश पोइट, जर्नलिस्ट, ऑथर, नॉवलिस्ट एंड सॉन्ग राइटर्स, यानी कि चार्ल्स मेके एक स्कॉटिश पोइट थे जो न केवल पोइट थे बल्कि पत्रकार भी थे, लेखक भी थे, उपन्यासकार भी थे और गीतकार भी थे। मेके इज मेनली रिमेम्बर्ड फॉर हिज बुक, और बुक का नाम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर डिल्यूशंस एंड मैडनेस ऑफ क्राउड्स, यानी कि मेके को मुख्य रूप से उनकी पुस्तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर डिल्यूशंस एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड्स के लिए जाना जाता है। तो उन्होंने इस पोइम में क्या बताया है तो देखते हैं। अबाउट द पोइम, द पोइम इज रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, यानी कि इस कविता की विषय वस्तु या आम विषय वस्तु वो है वो गरीबी से संबंधित है, यानी कि इस पोइम की जो थीम है वो पॉवर्टी से रिलेटेड है। एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, और ये बताती है कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है। वेन द पोइट फेल इन ग्रीफ एंड सम एडवर्सिटी, ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डेजर्टेड हिम, जब कवि है वो गरीबी की वजह से दुख और पीड़ा और प्रतिकूल परिस्थितियाँ में होता है तो सभी मित्र और संबंधी उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि इस पोइम में हमें बताया गया है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, जब किसी पे संकट आता है तो उनके जो मित्र और संबंधी है वो भी उनका साथ नहीं देते हैं। नो वन केम टू हेल्प हिम, कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। ही फाउंड ओनली लिप सिंपथी फ्रॉम देम, वह उनसे केवल दिखावटी सहानुभूति पाता है, यानी कि पोइट को केवल दिखावे के रूप में सहानुभूति मिली। द पोइट थिंक्स दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज लाइक बिल्डिंग ए कैसल ऑन सैंड, और कवि सोचता है कि दूसरे लोगों के ऊपर विश्वास करना तो मिट्टी के ऊपर महल बनाना है या मिट्टी से महल बनाना है, रेत, सैंड मिस रेत, जो बालू रेत होती है उससे बिल्डिंग बनाने के समान है। Therefore, he decided to believe in God and the hard work to be done by himself. और इसीलिए अंत में वह ईश्वर पर विश्वास करने और अपने स्वयं द्वारा किए जाने वाले कठिन परिश्रम का निर्णय लेता है, यानी कि अंत में वो निर्णय लेता है कि अब मैं सिर्फ ईश्वर में विश्वास करूँगा और किसी पर विश्वास नहीं करूँगा, और जो मैं अपना कठिन परिश्रम कर सकता हूँ उसी में अपना विश्वास रखूँगा। With this रियलाइजेशन हिज कॉरेज रिटर्न्ड इन हिम, और इसी अनुभूति के साथ उसका साहस है उसमें लौट आता है, किसमें, पोइट के अंदर। ही ओवरकेम हिज सोरो एंड सून बिकम प्रॉस्पर्स, और उस कॉरेज की वजह से, उस साहस की वजह से ही वह अपने दुखों पर विजय प्राप्त करता है, यानी कि उन दुखों से राहत महसूस करता है और जल्द ही वह एक समृद्ध, संपन्न यानी कि धनवान व्यक्ति बन जाता है। हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम अप फ्रॉम सोरो एंड पेन, और उसके उस कठिन परिश्रम ने ही उसे दुख और पीड़ाओं से ऊपर उठाया, यानी कि उसके दुख और पीड़ाओं को दूर किया। तो ये तो था अपना
पोइम का सार कि इस पोइम में क्या बताया गया, तो आप अपने पढ़ते हैं पोइम में क्या लिखा है पोइट ने। लिखा है, आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन, आई लुक फॉर ए फ्रेंड बट आई शॉट हिम इन वैन, कंपेनियंस वर साय एंड एक्वेटेंस वर कोल्ड, दे गेव मी गुड काउंसल बट ड्रेडेड देयर गोल्ड। आई फेल इन टू ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब दुख, लेकिन यहाँ पे है ग्रीबी से। आई फेल इन टू ग्रीफ, मैं ग्रीफ था, एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैंने शिकायतें करना शुरू कर दिया। यानी कि पोइट कहता है कि मैं जब ग्रीफ था तो मैंने इसकी शिकायतें करना शुरू कर दिया, यानी कि अपनी दुख और पीड़ाओं को दूसरों को बताना शुरू कर दिया कि मैं ग्रीफ होने की वजह से ये पीड़ा झेल रहा हूँ, ये मुझे दुख है। आई लुक फॉर ए फ्रेंड, और पोइट कहता है कि मैंने उन दुखों से राहत पाने के लिए किसी एक अच्छे मित्र की तलाश शुरू की जो कि मेरी उस विपरीत परिस्थितियों में सहायता कर सके। बट आई शॉट हिम इन वैन, परंतु मेरी तलाश, मेरी उस मित्र की तलाश, यानी कि जिस मित्र की मैं तलाश कर रहा था, वो निष्फल रही, व्यर्थ या बेकार रही। वैन का मतलब व्यर्थ, बेकार, निष्फल। कंपेंज वर्षाय, साय का मतलब शर्मिला भी होता है, लेकिन यहाँ पे है अनिच्छुक। कंपेनियंस यानि कि साथी, मित्र है, वो अनिच्छुक थे इसलिए सहायता करने में, यानि कि वो कोई रुचि नहीं दिखा रहे थे कि ये गरीब है तो इसकी हेल्प करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड एक्वेटेंस वर कॉल्ड, एक्वेटेंस का मतलब होता है परिचित, अपने जो रिलेटिव्स होते हैं यानि कि जो जान पहचान वाले व्यक्ति होते हैं, तो परिचित है वो भावशून्य थे। कोल्ड, कोल्ड का मतलब भावशून्य, मतलब उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया लेखक के दुखों के बारे में, पोइट के दुखों के बारे में। दे गेव मी गुड काउंसल, उन्होंने मुझे अच्छी सलाहें दी, यानी कि काउंसल का मतलब सलाह, एडवाइस। उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी सलाहें तो दी, बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, ड्रेडेड देयर गोल्ड का मतलब है अपना धन उधार देने से मना कर देना, परंतु उन्होंने धन उधार देने से मना कर दिया। यानि कि गरीब को क्या चाहिए, उसको इकोनॉमिक हेल्प चाहिए, उसको आर्थिक सहायता चाहिए, लेकिन वो सब देने से उन्होंने मना कर दिया। वो सिर्फ उन्हें सलाह दे सकते थे और अपनी दिखावटी क्या रख सकते थे, सिंपति, दिखावटी सहानुभूति रख सकते थे। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने बताया है कि वह गरीब था और उस गरीबी से निकलने के लिए उसने अपने मित्रों की तलाश की जो कि उसकी उस कठिन परिस्थितियों के अंदर, उस गरीबी के अंदर सहायता कर सके, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके सभी मित्र है वो उसकी सहायता करने के लिए अनिच्छुक थे, और उसके चिर परिचित थे वो भावशून्य थे, यानी कि उन्हें उसकी दुख और पीड़ाओं से कोई मतलब नहीं था, और वे उसे उधार धन उधार देना नहीं चाहते थे। सेकेंड स्टैंजा में लिखा है, लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड टू लिफ्ट मी एंड एड मी वट एवर बी टाइड, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, आई विल ट्रस्ट बट इन हैवन एंड माई गुड राइट हैंड। उसके बाद में पॉइंट यहाँ पे बता रहा है, क्या कहता है कि लेट देम गो आई एक्सक्लेम, एक्सक्लेम आश्चर्य के साथ, विस्मय के साथ। लेखक कहता है कि मैंने विस्मय से कहा कि उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो, किन्हें, जो मित्र सहायता नहीं करना चाहते हैं, जो मित्र उसकी गरीबी में उसके काम नहीं आ रहे हैं, यानी कि वो सच्चे मित्र नहीं हैं, इसलिए उन्हें जाने दो, उनका पछतावा मत करो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास मेरा मित्र है, यानी कि आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास, माई साइड का मतलब मेरे पास एक मित्र है, आई टू लिफ्ट मी एंड एड मी वट एवर बी टाइड, बी टाइड का मतलब होता है हैपन, घटित होना, वट एवर चाहे जो भी, एड मी हेल्प यानी कि सहायता करेगा, लिफ्ट मी खुश रखेगा, प्रसन्न रखेगा। यानी कि पोइट कहता है कि उन्हें जाने दो, मेरे पास एक मित्र है जो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे प्रसन्न रखेगा, खुश रखेगा और मेरी सहायता करेगा। और वो मित्र कौन है, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, यहाँ पे वर्ल्ड का मीन लोगों से है, लोगों पर विश्वास करना, यानी कि दूसरे लोगों पर विश्वास करना
मिट्टी के महल बनाने के समान है, यानी कि जो बलुई मिट्टी होती है, जो बालू रेत होती है, उससे अगर बिल्डिंग बना भी ली जाए तो वो टिक नहीं पाती है, टेम्प्रेरी होती है। तो इसीलिए पोइट ने यहाँ पे बताया है कि उन लोगों पर तो विश्वास करना एक बालू से घर बनाने के समान है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। पोइट कहता है मैं विश्वास तो करूँगा परंतु भगवान पर और मेरे कठिन परिश्रम पर। आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूँगा, बट इन हेवन, हेवन का मतलब यहाँ पे गॉड से है कि मैं विश्वास तो करूँगा लेकिन भगवान पर, एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे इन परिश्रमी हाथों पर या मेरी उस कठिन परिश्रम पर। तो सेकंड स्टेंजा में पोइट ने हमें फेयर वेदर फ्रेंड को छोड़ने, यानी कि जो स्वार्थी मित्र है उनको छोड़ देने और अपने और ईश्वर पर विश्वास करने का संदेश दिया है। यानी कि इसमें पॉइंट हमें ये बताना चाहता है, ये मैसेज दे रहा है कि हमें अपने जो स्वार्थी मित्र है उन पर भरोसा न करके ईश्वर पर और अपने कठिन परिश्रम पर, हार्ड वर्क पर ही अपने को बिलीव करना चाहिए। देखते हैं थर्ड स्टेंजा। माई कॉरेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून्स डेस्पाइट एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन। रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, फॉर्चून्स इन फॉर्चून डेस्पाइट का मतलब है दुर्भाग्य होने के बावजूद भी। एज स्ट्रॉन्ग एज, एज एज का यूज अपने डिग्री के तहत करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री के अंदर करते हैं, और जब किसी के बीच में समानता बताई जाती है तो वहाँ पे यानी कि पॉजिटिव डिग्री के अंदर अपने एज एज का यूज करते हैं किन्हीं दो के बीच में समानता बताने के लिए। तो यहाँ पे पोइट ने ऐसा किया है। पोइट कहता है कि मेरा दुर्भाग्य होने के बावजूद भी मेरे साहस है वो पुनर्जीवित हुआ, यानी कि दुर्भाग्य होने के बावजूद भी इस ईश्वर के प्रति विश्वास ने और कठिन परिश्रम के प्रति विश्वास ने मेरे अंदर साहस को पुनर्जीवित कर दिया। जैसा कि हम पीछे भी पढ़ रहे थे कि सबसे अधिक जरूरी साहस है, रिस्क में पढ़ा था कि जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए। तो यहाँ भी पॉइंट कह रहा है कि मेरा ईश्वर के प्रति विश्वास और अपने कठिन परिश्रम के प्रति विश्वास ही था जिसने दुर्भाग्य होने के बावजूद भी मेरे अंदर साहस को पुनर्जीवित किया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। और मेरे हाथ उतने ही मजबूत थे जितना कि मेरा मन प्रसन्न और खुश। स्पिरिट का मतलब भावना, मन भाव जो होते हैं, लाइट मीन्स खुश, प्रसन्न, मन हल्का होना। यानी कि मेरे हाथ उतने ही मजबूत थे, यानी कि कठिन परिश्रम करने के लिए उतने ही दृढ़ थे जितने कि मेरा मन हल्का था, मेरा मन खुश था, यानी कि मैं खुश होकर कठिन परिश्रम कर रहा था। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और इसने मुझे दुखों से उबार लिया, दुखों से ऊपर उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और इसने मेरी दुखों से, पीड़ाओं से रक्षा की। यानी कि इस विश्वास ने ही और मेरे इन हाथों की कठिन परिश्रम ने ही मुझे दुखों से उबारा और इन पीड़ाओं से मेरी रक्षा की। इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन, और बार बार हर समय इसने मुझे खाने के लिए भोजन दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए। क्लेड मी कपड़े पहनाना, फेड मी भोजन खिलाना। यानी कि ये मेरा कठिन परिश्रम और ईश्वर के प्रति विश्वास ही था जिसने दुर्भाग्य होने के बावजूद भी मेरे साहस को मेरे अंदर पुनर्जीवित किया, और उसी की वजह से मेरे हाथ भी उतने ही मजबूत थे जितना कि मेरा मन खुश था, और इसी कठिन परिश्रम और विश्वास ने मुझे दुखों से उबार लिया, पीड़ाओं से बचा लिया, और इसी कठिन परिश्रम ने ही मुझे भोजन दिया, पहनने को कपड़े दिए अगेन एंड अगेन, यानी कि हर बार जब भी मुझे आवश्यकता हुई ये मेरे पास उपलब्ध हुए। ये नहीं कि मित्रों की तरह जब अच्छा समय था तो साथ में थे और जैसे ही बुरा समय आया तो छोड़ के चले गए। फोर्थ स्टेंजा। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन। आई नीड देम नो मोर।
As they all understand, I thank thee, I trust thee, my good right hand. उसके बाद में यहाँ पर इस स्टैंजा के अंदर पोइट है वो अपने कठिन परिश्रम और ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है और क्या कहता है, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, जो मित्र मुझे छोड़कर चले गए थे प्रत्येक हर कोई वापस आ गया. एंड डार्केस्ट एडवाइजर, डार्केस्ट एडवाइजर का मतलब है जो सबसे कम मददगार था. एडवाइजर का मतलब सलाहकार, सलाह देने वाले. लुक्ड ब्राइट, दिख रहे थे. ब्राइट का मतलब आभायुक्त, एज द सन, सूर्य के समान. यानी कि यहाँ पे पोइट कहता है कि जो मित्र मुझे छोड़कर चले गए थे सभी वापस आ गए, और यहाँ तक कि जो सबसे कम मददगार सलाहकार था वो भी एक सूर्य के समान अभावयुक्त दिख रहा था. यानी कि वो भी बहुत खुश दिख रहा था कि मैं समृद्ध बन चुका था, संपन्न था. यानी कि वो उनकी क्या थी, दिखावटी सहानुभूति थी. आई नीड देम नो मोर, एज दे ऑल अंडरस्टैंड. और लेखक कहता है, पॉइंट कहता है कि मुझे उनकी अब कोई आवश्यकता नहीं है, और ऐसा वे भी जानते हैं. एज दे ऑल अंडरस्टैंड, ये वो भी समझते हैं कि अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो भी मेरे पास चले आए हैं. यहाँ तक कि जो सबसे कम मददगार था, जो सलाह देने में भी कंजूसी कर रहा था, वो भी इस समय सूर्य के समान आभायुक्त यानी कि बहुत अधिक खुश दिखाई दे रहा था. आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी, माई गुड राइट हैंड. यहाँ पे कठिन परिश्रम की तरफ इंडिकेट करते हुए पोइट कहता है कि मेरे कठिन परिश्रम हे, अरे मेरे कठिन परिश्रम, मैं सिर्फ तुम्ही में विश्वास करता हूँ, सिर्फ तुम्हें ही इसके लिए धन्यवाद देता हूँ. यानी कि मैं जो कुछ हूँ, जो कुछ बन पाया हूँ, वो सब और सब क्या है, ईश्वर पर विश्वास करने की वजह से और अपने कठिन परिश्रम की वजह से ही बना हूँ. इसलिए मैं केवल और केवल ईश्वर और अपने इस कठिन परिश्रम को ही धन्यवाद देता हूँ, इसी पर विश्वास करता हूँ. तो इस पोइम के माध्यम से पोइट ने हमें एक मैसेज भी दिया है कि अपने स्वयं पर, अपने स्वयं के कठिन परिश्रम के बल पर ही हम कुछ बन सकते हैं, और उसके लिए किसी दूसरे पे निर्भर न रह के सिर्फ ईश्वर पे विश्वास रखो और अपने कठिन परिश्रम पर विश्वास रखो. अन्यथा इस विश्व के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस जगत के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी सहायता करेगा. यहाँ तक कि आपके स्वयं के जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो भी विपरीत परिस्थितियों में आपको छोड़कर चले जाएंगे, और आपके जो सगे संबंधी है वो भी आपके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाएंगे. तो पॉइंट ने हमें यहाँ पर प्रेरित किया है अच्छे और कठिन परिश्रम के लिए और ईश्वर में विश्वास करने के लिए, और बुरे मित्र जो अच्छे समय के लिए मित्र हैं यानी कि स्वार्थी मित्र हैं, उनसे दूर रहने का संदेश दिया है. तो अपने इस पोइम को पढ़ा, इसके आपके एग्ज़ाम के अंदर 4 नंबर के 2 स्टैंजा आते हैं, उसमें से कोई आपको एक करना होता है जिसमें रिफ्रेंस, कॉन्टेंट और एक्सप्लेनेशन करना होता है. तो ये आप इसको एक बार ढंग से और पढ़ें. आशा करता हूँ आपको समझ में आई है. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.